त्रिभुवन महाराज जी। श्री त्रिभुवन महाराज लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने की नवी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वे पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी के सुपौत्र एवं गुरु पंडित जयकिशन महाराज जी के सुपुत्र और गंडाबंद शागिर्द हैं। आपने विश्व के कई देशों में अपनी एकल प्रस्तुतियां दी हैं। अपने दादा पंडित बिरजू महाराज जी एवं विश्वविख्यात तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन जी के साथ रंगमंच भी साझा किया है। आपको बहुमुखी होने के कारण की जो प्रेरणा है वो अपने पिता एवं दादाजी से मिली, जिसके चलते आपने कई वाद्य यंत्रों के साथ साथ संगीत निर्देशन, नृत्य संरक्षण एवं लेखनी पर भी अपना अधिकार रखा है। देश विदेश में अपनी संस्थान कथक नाट्यम के अंतर्गत नृत्य कार्यशालाओं से आप कथक को एक नया आयाम देने का प्रयास कर रहे हैं। आज श्री त्रिभुवन महाराज जी सर्वप्रथम शिव और पार्वती के अर्धनारीश्वर रूप पर आधारित पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी द्वारा रचित अर्धांग भस्म भभूत सोहे अर्धमोहिनी रूप है से अपने कार्यक्रम का आरंभ करेंगे, जिसमें पंडित लच्छू महाराज जी द्वारा रचित कवित्त है। तत्पश्चात तीन ताल में त्रिभुवन महाराज पारंपरिक कथक नृत्य करेंगे, जिसमें लास्य अंगों का प्रदर्शन होगा। तो आइए देखें त्रिभुवन महाराज जी की ये प्रस्तुति। और आपके साथ संगत पर तबले पर हैं श्री राहुल विश्वकर्मा जी, सितार पर श्री श्याम रस्तोगी जी, गायन जनाब वारिस खान और संचालन एवं बोल पढ़ंत पर आपके गुरु पंडित जय किशन महाराज जी हैं। जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत करेंगे त्रिभुवन महाराज जी का। Oh,
नमस्कार। सभागार में उपस्थित सभी गुणीजनों को, गुरुजनों को एवं रसिकजनों को मेरा सादर नमन। आज गणेश चतुर्थी के इस पावन उत्सव पर जो मुझे इतने सुंदर मंच पर अपनी कला की प्रस्तुति और प्रदर्शन करने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं कथक केंद्र नई दिल्ली, संगीत नाटक एकेडमी, तरुण राज जी का सहृदय धन्यवाद करता हूँ कि इतने सुंदर मंच पे उन्होंने मुझे आज यहाँ अवसर दिया। मेरे परदादा जी पंडित लच्छू महाराज जी की स्मृति में इस भव्य फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। उनको सामने समक्ष देखने का तो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ मुझे, लेकिन अपने दादाजी को, जिनको कहा जाता है कि वो तीनों के मिश्रण थे, शंभू महाराज जी के, लच्छू महाराज जी के और अपने पिता अच्छन महाराज जी के, उनके द्वारा जो थोड़ा बहुत सीखा है, अपने गुरु से जो सीखा है, वो आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। शुरुआत में प्रस्तुत है ताल, तीन ताल, 16 मात्रा, कुछ उपज। अंग जरा नायिका के अंग का होता है, थोड़ा सा फुट माइक
क्योंकि आज गणेश चतुर्थी का दिन है, इसलिए घर की एक बहुत पुरानी बंदिश गणेश परन से आरंभ करूंगा अपने कार्यक्रम का। दिन 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 ता हिन साहित्य तत्थे तत्त जग जग दत्तरी दत्तरी तहाम धित्ता उठगत गण दत्त दत्त गधूंगी थई अंगी तंगी गण जग्गी था गत धा किट दग धा दिन दिन ता ठीक दिगट दगे तक्का तुंग अर्दल मर्दल बुद्ध विनाय दिल कथ उर्लो गणपति गौतम गत्थो जय 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 कुकुथरी कुकुथम खंतम तदिक कथे रिगट आलम गत्थो तक दिगट दगे तक्का तुंग देवन गत्थो तक दिगट दग तक दिगट जग 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 अंगी तंगी गड़ जग्गी था धगन धग 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 ताधा 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 लखनऊ घराने की खासियत ठाट, खड़े होने के अलग अलग अंदाज। ठाट जो कि शब्द ठाड़े से निकला है, ठाड़े होने का मतलब खड़ा रहना। ठाट के कुछ अंदाज का डमरू नाद पहली आवाज दिग 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 धा दिग 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 धा दिग 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 धा कृष्ण के पद चाप ता थे तत् से मिश्रित आंगिक उठान ताते ट धगी न ताते ट दिन ता थे थई ता थे दिग दिग थे दिग दिग थे तथे तथे आ आ थे ता थे दिग दिग थे
आमद है जिसको एक तरीके से कहा जा सकता है कि मेरे परदादा जी लच्छू महाराज जी ने हर बंदिश में भाव को खोज लिया और ऐसा खोज लिया कि ऐसा लगा कि वो बंदिश भाव के लिए ही बनी है। कोशिश करूंगा। आमद धिन ता दे दे थे ता ता धे 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 तत आ ता धे 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 तत थे ता ता धे ता ता धे थे ता ता धे ता ता धे ता ता धे ता ता धे थे ता ता धे ता ता धे ता ता धे ता धे आ धे ता धे धे ता ता ता
तांडव और लास्य का एक अनोखा मिश्रण, दोनों अंग एक ही बंदिश में देखने को मिलते हैं। प्रस्तुत है परनामद, शिव का तांडव अंग और पार्वती का लास्य अंग का समावेश। त्रगदेन देन धा दे ठे धा त्रगदेन तर तगी न तगी तगी देना की नती तक तग तगी न ता धा तक धूंगा धागे दींगे ता धा धिन ता धित्ता किड़े धा तक्का धूंगा तकी टता का धा ते टका ता तेरे का तगा देगी न था थे ता ते थे आ थे ता ते थे थे ता थे ता थे ता ते ता कुड़ा ते ता थे ता थे ता थे ता ते ता कुड़ा ते ता थे ता थे ता थे थे ता ते ता कुड़े ने ता के ते ता अनेक प्रदर्शन में अनेकानेक बंदिशें आपकी अजीज बन जाती हैं। प्रस्तुत करूंगा एक छोटी सी लड़ी जो मुझे बहुत अजीज है, चतुष्जाति की लड़ी। अल्प समय है इसलिए फटाफट कुछ चीज़ें कुछ बंदिशें आपको द्रुत लय में दिखाना चाहूँगा। धग 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 धा धिन ना धा धिन धिन धा धा त्रग धिन ता धगिन धा धिन धा धिन धिन धा। हमारे घर की बहुत पुरानी छूट की बंदिश कैसे तीर की तरह छूटती है और सम पर जाके गिरती है। तिन तिन ता त्रग दिन दिन ना था दिन दिन ता त्रग ता तुंगा ता किटे तुंगा ता किटे ता देगे ते ता तुंगा ता किटे ता देगे ते ता जग जग तुंगा ता तुंगा ता ता के देगा ता तुंगा देगे ता का ता देगे ता देगे ने थे दिन दिन ना था त्रग 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 दिन दिन ना था दिन ना
इसी तावथुंगा को परदादा जी को याद करते हुए छोटे से रूप में देखिए कहां से उठती है और किस तरीके से संपर्क गिरेगी, उसमें छुपा हुआ भाव कामदेव के बाण। दिन दिन दादा त्रक दिन दादा तिन तिन ता त्रक दिन 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 दा कहां से उठेगी। तावथुंगा तकिट थुंगा तकिट तक धिगिट तक तो तकिट तक धिगिट तक 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 थुंग ता थुंग ता तक धिगिट ता थुंग धिगिट तक ता धिगिट ता धिगिट नथे। जगह है 7.5वीं मात्रा, 7.5 कैसे, 7.5 ताव थुंगा तकिट थुंगा तकिट तक धिगिट तक तो तकिट ता धिगिट तक 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 थुंग ता थुंग ता तक धिगिट ता थुंग धिगिट तक ता धिगिट ता धिगिट नथे। दिन दिन दादा दिन दादा तक दिन दादा दिन दिन दादा दिन दिन दादा ताव थुंगा तकिट थुंगा तकिट तक धिगिट तक तो तकिट तक धिगिट तक एक और तावत होगा करके बस। दिन नाधा के दिन दिन दादा तिन तिन तात्रक दिन दिन नाधा तावतुंगा थुंगा तकिट थुंगा तकिट तक धिगिट तक तक थो तकिट तक धिगिट तक 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 थुंग ता थुंग ता कर ता कर धिगिट ता थुंग दीग तक ता धिगिट ता धिगिट ता कर धिगिट ता थुंग दीग तक ता धिगिट ता धिगिट ता कर धिगिट ता थुंग दीग तक ता धिगिट ता धिगिट ता धिगिट दादा से जो तालीम प्राप्त हुई सुनने में इतनी आसान कि जब वो अपनी खंजरी लेके हम ज़मीन पे बैठे हैं, वो अपने तख्त पे बैठे हैं और खंजरी बजाते बजाते सुना दिए जैसे कोई बहुत आसान चीज़ हो। बाद में जब उसको हम लोग बैठाने बैठे तो ना मुझसे हुआ ना मेरी बहन से, पूरे आधे घंटे लगे बंदिशों को समझने में। तो वो बहुत मुश्किल बातें बहुत आसानी से कह जाते थे, उसी में से कुछ चीज़ें आपको प्रस्तुत करता हूँ। दिन दिन दादा तिन तिन ता ता थे तकिट ता ता थे तकिट ता ता थे तकिट थे ता तकिट थे ता तकिट ता थे ता थे तकिट ता ता थे तकिट ता ता थे तकिट थे ता तकिट थे ता तकिट ता थे ता थे तकिट ता ता थे तकिट ता ता थे तकिट थे ता तकिट थे ता तकिट ता। एक भाव रूपी चीज पढ़ रहे हैं, देखिए जैसे हमारे पूर्वजों ने महाराज जी ने भी हर चीज के पीछे वो हमेशा कहते थे बंदिश ऐसी हो जैसे एक सुंदर पेंटिंग बन के सामने लग जाए, तो बंदिश के पीछे मार धाड़ ना हो, सिर्फ शोर शराबा ना हो, बंदिश की एक आकृति निकल कर के आए। एक छोटा सा भाव है, दो मित्र हैं,
दोनों दूर दूर खड़े हुए हैं, एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं और धीरे धीरे नजदीक आते हैं, एक साथ मिलकर और आगे चलने लगते हैं। नंबर है 5, तो कैसे डिस्टेंस कम हो रहा है उसका एक छोटा सा रूप है। तो एक मैं बोलता हूँ, एक तुम बोल देना, दिन दिन दादा त्रिक दिन दादा। नंबर 5 है फिर दिन दादा त्रिक दिन दादा। कैसे 5 का डिस्टेंस। और पढ़ते हैं, इसके भी पीछे भाव है, जितना नंबर उसकी रिपीटेशन उतनी ही बार है। एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार, चार चार बार और पांच पांच बार, 5/5। जितने बार नंबर बोलूंगा उतनी उसका रिपीटेशन है। धा दिन दिन धा धा त्रिक 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 धा दिन दिन धा। एक एदो 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 तीन एदो तीन धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा। एक एदो 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 तीन एदो तीन एदो तीन एदो विचार एदो विचार एदो विचार एदो विचार एदो विजपा एदो विजपा एदो विजपा एदो विजपा एदो विजपा। एक एदो 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 तीन एदो तीन एदो तीन एदो विचार एदो विचार एदो विचार एदो विचार एदो विजपा एदो विजपा एदो विजपा एदो विजपा एदो विजपा। एक एदो 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 तीन एदो तीन एदो तीन एदो विचार एदो विचार एदो विचार एदो विचार एदो विजपा एदो विजपा एदो विजपा। जैसे कि आप देखेंगे इसमें 1 की 2 की 3 की और 5 की कोई पूंछ नहीं है, लेकिन 4 के साथ एक पूंछ है। ए दो तीन चार र, ए दो तीन चार र, उस र के निकास को कोशिश करूंगा। समय समाप्त हो चुका है, इसलिए बस 2 परण करके समापन करूंगा। दा दिन दिन दा दिन दिन दा दा तक दिन दा तक दिन दिन ना दा दिन दिन दा कत्ते टिके गिते टे कदा ने दा कर दिन 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 कदा कदी गिने दा कदा कदी गिने दा कदा कदी गिने दा कदिन ने ना गिते टे ताकि तेरे किटे ताकि ते किटे दा कदा ने ता दा कर दा तेरे दा ने दा धीरे गिड़ता आंधा। दिन दिन दा दा धक न धक 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 दिन दा दा धक 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 दिन दिन दादा। हमारे घर में घिनतड़ान का चलन बड़ा सुंदर दिखता है, प्रस्तुत करूंगा 3 अलग प्रकार से घिनतड़ान। तात दिन दिन दादा दिन दिन दादा दिन दिन ता त्रक दान दान धगत धगत दिग 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 नग 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 तिट कदान ता धा ता घिने दा धग तिट दा कृदा तिट दा घिनतड़ान दरिदा धग तिट दा कृदा तिट दा तड़ान तड़ान दरिदा धग तिट दा कृदा तिट दा तड़ान 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 ता धा।
प्रस्तुत है जुगलबंदी। और ये थे श्री त्रिभुवन महाराज जी, जिन्होंने अपनी सुंदर प्रस्तुति के माध्यम से हम सबको मंत्रमुग्ध किया। बहुत ही कुशल पद संचालन और सुंदर भावाभिव्यक्ति। एक बार पुनः जोरदार तालियां आपके लिए चाहूंगी। और आप एक बार फिर से बता दूं कि आपके साथ जिन्होंने संगत दी, तबले पर श्री राहुल विश्वकर्मा जी, सितार पर श्री श्याम रस्तोगी जी, गायन जनाब वारिस खान और संचालन एवं बोल पढ़ंत पर आपके गुरु पंडित जयकिशन महाराज जी। श्री त्रिभुवन महाराज जी हैं जिनका सम्मान होना है। मैं बहुत ही आदर के साथ अध्यक्ष महोदय जी को पुनः मंच पर आने के लिए अनुरोध करूंगी कि कृपया आप मंच पर पधारें और त्रिभुवन महाराज जी के साथ सभी जितने भी संगत कलाकार हैं सभी मंच पर हैं। और अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन करूंगी कि पुष्पगुच्छ के माध्यम से त्रिभुवन महाराज जी का सम्मान। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, आपकी तालियां उतनी ही जोरदार होनी चाहिए जितनी सुंदर इन्होंने प्रस्तुति दी है। गुरु शिष्य परंपरा का अद्भुत उदाहरण इस मंच पर जीवंत है। एक समूह चित्र